जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर का एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं, जहां जम्मू में संदिग्ध सीरियल धमाकों से हड़कंप मच गया है। यहां नरवाल इलाके में लगातार दो धमाके सुनाई दिए हैं। नरवाल के सीरियल धमाकों में 6 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। सुरक्षा बलों ने इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। नरवाल में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। तस्वीरें आप नरवाल इलाके की देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है और धमाकों के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके यहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पूरे इलाके में इस वक्त घेराबंदी कर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस ब्लास्ट में जो दो धमाके हुए हैं, 6 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में सीरियल धमाकों के बाद हड़कंप मच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। धमाकों से किस तरीके से जम्मू का नरवाल इलाका दहल गया है और लगातार 2 धमाके यहां पर हुए, 6 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। और इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है जानने के लिए रुक कर रहे हैं एक बार फिर से अपने संवाददाता अंकित भट्ट का। अंकित, इस वक्त का सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है? छह लोग जख्मी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मौके पर है, FSL की टीम मौके पे है, भारतीय सेना की जो QRT टीम है वो मौके पर है। पूरे इलाके को इस वक्त सैनिटाइज किया जा रहा है, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है, चाहे वो मीडिया हो या फिर जो यहाँ पर दुकानदार, जिनकी यहाँ पर दुकान है उनको भी फिलहाल ये कह दिया गया है कि आप फिलहाल दुकान बंद करें। 2 ब्लास्ट हुए हैं, 6 लोग इंजर्ड हैं और आप देखिए कि जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये ब्लास्ट होता है, 26 जनवरी नज़दीक है और ऐसे में ये ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए, सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय ज़रूर बना हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि साल के पहले दिन किस तरीके से आतंकियों की तरफ से साजिश रची गई और डांगरी के अंदर टारगेटिंग किलिंग हुई, लेकिन आज क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है और आप तस्वीरें देखिए, पूरे इलाके को यहां पर कॉर्डन कर दिया गया है, मीडिया को बिल्कुल ही दूर किया गया है जहां पर ब्लास्ट हुआ है। और अभी इस पूरे इलाके में, क्योंकि कॉमर्शियल इलाका है, यहां पर पूरी तरीके से मीडिया को दूर रखा गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि फिलहाल पूरे इलाके को सैनिटाइज जो है किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल विंग या फिर अन्य सुरक्षा बल, भारतीय सेना भी अंदर है। ये वो इलाका है जहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये वो पूरा नरवाल का इलाका है जिसको पूरे इलाके को यहाँ पर जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, क्योंकि कॉमर्शियल इलाका है, बड़ा इलाका है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ होती है वो सर्विसिंग के लिए आती है और कई यहाँ पर कबाड़ की दुकानें भी हैं और ऐसे में चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा है सुरक्षा बलों के लिए। काफ़ी टाइम लगेगा पूरे इलाके को सैनिटाइज करने में, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस इलाके में ही 2 संदिग्ध ब्लास्ट हुए हैं, 6 लोग जख्मी हैं और उनका उपचार जो है गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में। चूंकि अंकित आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये दे रहे, तस्वीरें भी आप दिखाते रहे क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, तो ऐसे में ये जानना चाहूंगी कि सर्च ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा है, कितने बड़े इलाके में पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि एक्सप्लोजिव्स तो कहीं पर भी हो सकते हैं और 26 जनवरी के मद्देनजर ये थ्रेट बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट्स भी की जा रही है कि इस इलाके से आप दूर रहे। गाड़ियों यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर राउंड लगा रही है, साफ कह रही है कि आप इस इलाके से दूर रहे। ये आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि सर्च ऑपरेशन का दायरा बिल्कुल बड़ा है, गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा है, कब कोई क्या हो जाए कोई पता नहीं, क्योंकि अभी 2 संदिग्ध ब्लास्ट हुए हैं। यही वजह है कि सुरक्षा बल कोई भी चूक नहीं लेना चाहते, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, यही वजह है कि फिलहाल हर किसी को इस इलाके से दूर रखा गया है। जी अंकित, आप हमारे साथ लगातार बने रहे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, जम्मू में नरवाल इलाके में एक के बाद एक 2 बड़े धमाके हुए हैं जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं धमाके से किस तरीके से जम्मू का नरवाल इलाका पूरी तरीके से दहल गया और उसके बाद इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बल इस वक्त मौके पर मौजूद है, इलाके में इस वक्त सर्च
ऑपरेशन चलाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल है जिन्हें इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया अस्पताल में, लेकिन 26 जनवरी से ठीक पहले, बेहद नज़दीक है जब 26 जनवरी, ऐसे में इन ब्लास्ट से दहशत फैल गई है और ऐसे में मौके पर FSL की टीम है, क्विक रिस्पांस टीम भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। हालांकि जैसी जानकारी अंकित आप दे रहे हैं, अब तक भी क्या किसी संगठन ने, किसी भी आतंकी संगठन ने आगे बढ़कर इस ब्लास्ट की, इस धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है? आतंकी संगठन की तरफ से अभी तक इस ब्लास्ट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है, क्योंकि कुछ देर पहले ही ब्लास्ट हुआ है। हमने देखा है कि किस तरीके से आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई बड़ी आतंकी वारदात होती है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि पुलिस की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि ब्लास्ट हुआ है, 2 ब्लास्ट हुए हैं, 6 लोग घायल हैं, इस वक्त पूरे इलाके में सर्च चल रही है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। एसपी वैद्य साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व DGP है जम्मू कश्मीर पुलिस के। सर स्वागत है आपका TV9 भारत वर्ष पर। ये बड़ी खबर आ रही है सर, 26 जनवरी से ठीक पहले इस तरीके से नरवाल इलाके में 2 बड़े धमाकों का होना, 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं सर इसको आप? जी, ये यही खबर मिली है कि 6 लोग घायल हैं। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, लेकिन आप देखिए 26 जनवरी कुछ ही दिन दूर है और इस मौके पे जनरली पाकिस्तान की तरफ से और टेररिस्ट की तरफ से कोशिशें रहती हैं कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को कुछ ना कुछ हादसा किया जाए। और दूसरा, अगर आप देखें पिछले एक साल का जो पैटर्न है जम्मू रीजन में जो इंसिडेंट हुए, आपने देखा रजौरी पुंछ के इलाके में कुछ दिन पहले वहां सिविलियन कैजुअलिटीज की गई, उससे कुछ महीने पहले आपने देखा आर्मी कैंप पर रजौरी में अटैक करने की कोशिश की, पिछले साल वहां एक इन्फिल्ट्रेट ग्रुप किया जिसने आर्मी की कैजुअलिटीज की थी। आपने देखा उधमपुर में बस में ब्लास्ट कुछ महीने पहले करने की कोशिश की गई। जम्मू रीजन में आपने पिछले महीने ही देखा, यहाँ सिदड़ा एक इलाका है, वहाँ 4 जैश के टेररिस्ट मारे गए जो बॉर्डर से क्रॉस करके जा रहे थे कश्मीर की तरफ। उससे पहले सुंजवा इलाके में 2 टेररिस्ट मारे गए थे जब प्रधानमंत्री सांबा में आने वाले थे और टोल प्लाजा के पास एनकाउंटर हुआ। तो इस तरह ये सारा पैटर्न दिखाता है कि जम्मू रीजन को इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। और दूसरा, भारत की G20 प्रेसिडेंसी और उसकी कुछ मीटिंगें यहाँ होनी है, तो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ हालात खराब है, 370 के बाद हालात बेहतर नहीं हुए हैं तो, और उसके हटाने के बाद हालात बिगड़ गए हैं। वैद्य साहब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहते हुए कि इसके पीछे पाकिस्तानी साजिश हो सकती है, हालांकि ये जांच का विषय है। महत्वपूर्ण बात, ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या है नरवाल इलाके की वो बता रहे हैं। धमाके यहाँ पर हुए हैं एक के बाद एक, 2 बड़े धमाके जिनमें 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इस पूरे इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि ऐसा कोई भी अगर एक्सप्लोजिव इस इलाके में है तो उसे डिफ्यूज किया जा सके।